हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन हो रहा है, अभी फॉर्म्स निकल चुके हैं, हमने वो फॉर्म भरे हुए हैं और हम सब लोग उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए पेपर 2021 से लिया हुआ एक एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। Which of the following movements in response to an external stimulus is not seen in the roots of plants? Not seen पूछा है, ठीक है? External stimulus के response में roots और shoots में, plant के roots और shoots में कुछ movements हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि ऐसे मूवमेंट में कौन सी, इनमें से कौन सी मूवमेंट नहीं होती है इन केस ऑफ रूट्स, ठीक है? ट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट या हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो देखो, एक बार याद कर लो ये ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है। ये वही है, दिस इज द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट, एनी पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिम्यूलस। इसे ट्रॉपिज्म भी कहा जाता है और ट्रॉपिक मूवमेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटो, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट की तरफ जो मूवमेंट होती है प्लांट की, उसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाएगा। और ऑफकोर्स ये मूवमेंट हमें कहाँ दिखेगी, शूट सिस्टम में। शूट बढ़ता है ना लाइट की तरफ, वो वाली। तो देखो, ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रेविटी पड़ा है ना, तो ग्रेविट्रॉपिक उस ग्रेविटी की तरफ, मतलब अर्थ की तरफ, मतलब सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंदर कौन सी होगी, रूट सिस्टम होगी। सो दैट इज अ रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल स्टिम्यूली। अनदर इज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। हाइड्रो अभी आप समझते हो, हाइड्रो मतलब पानी, तो इसको लिंक करो, पानी कौन एब्जॉर्ब करता है, ऑफकोर्स रूट ही करते हैं। तो रिस्पॉन्ड टू स्टिम्यूली ऑफ वाटर, तो ये भी रूट सिस्टम ही करेंगे, राइट? ये चार ऑप्शन हो गए। और इसके अलावा देखो, एक कीमोट्रॉपिक मूवमेंट हमें प्लांट्स में दिखाई देती है, दैट इज इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक केमिकल्स, कुछ केमिकल के रिस्पॉन्स में होती है, तो दैट इज अ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। And this is observed in the growth of pollen tube towards the ovule. ठीक है, तो ये सारी जो मूवमेंट हमने अभी देखी, ये सब कुछ ग्रोथ से रिलेटेड होती है। प्लांट की ग्रोथ इससे अफेक्ट होती है, प्लांट की ग्रोथ इससे अच्छी होती है, and hence it is collectively called as a growth relevant movements. ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर फिर से एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिम्यूलस इज नॉट सीन इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स? ट्रॉपिक मूवमेंट, ये जनरल टर्म हो गई। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट यहाँ पर हमें रूट्स में नहीं दिखाई देंगी, रूट्स नहीं बढ़ते हैं ना लाइट की तरफ, सो दैट इज एबसेंट इन रूट्स। ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट और हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट हमें रूट्स में ज़रूर दिखाई देगी। रूट्स जो बढ़ेंगे तो ज़मीन की तरफ ही बढ़ेंगे और पानी एब्जॉर्ब करने के लिए हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट भी दिखाएंगे, ठीक है? तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अच्छे से पढ़ना है, नॉट सीन पूछा है, एकदम केयरलेसली फटाफट आंसर देने के चक्कर में कुछ भी क्लिक करके नहीं आना है। तो आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड करते हैं। मेरा मेल आईडी यहाँ शेयर किया हुआ है और आप कमेंट सेक्शन के थ्रू भी मुझे आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।